आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जालंधर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। जालंधर में लगभग 660 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में सती जल परियोजनाएं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 120 फीट सड़क पर वर्षा जल सीवरेज और शहर में 70,000 LED लाइट परियोजनाएं शामिल हैं। आभासी उद्घाटन के दौरान उपायुक्त के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंगद दत्ता के साथ सांसद संतोख सिंह चौधरी, विधायक राजेंद्र बेरी, विधायक बाबा हेनरी और मेयर जगदीश राजा मौजूद थे। मुख्यमंत्री के संबोधन का शहर में 96 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया था। शहर के 80 वार्डों में सरकारी स्कूलों के स्मार्ट वार्डों में वर्चुअल उद्घाटन का सार्वजनिक रूप से 16 स्क्रीन के साथ प्रसारण किया गया था। इसके लिए शहर में स्क्रीन लगाए गए थे। जानकारी के अनुसार जिले में 525 करोड़ रुपए की लागत से सती जल परियोजना के तहत जल उपचार संयंत्रों और जल भंडारण टैंकों का निर्माण किया जाएगा। जय प्लांट आदमपुर के जगरावा गांव में होगा, जहां नहर के माध्यम से सतलज नदी का पानी लाया जाएगा। प्लांट से शहर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और मौजूदा वितरण नेटवर्क से लोगों के घर में आपूर्ति की जाएगी। इसी तरह बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 120 फीट सड़क पर 21 करोड़ रुपए का रेन वाटर सीवरेज लगाया जाएगा, जिससे 50 से अधिक पश्चिमी लाइट कॉलोनियों को फायदा होगा। फोड़ीवाल में 50 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा और पुराने 100 MLD प्लांट को अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना LED लाइट है। पुरानी सोडियम LED लाइट को लगभग 44 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के साथ LED लाइट में बदला जाएगा। आज पंजाब में शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के सारे वक्त शहरों के जोड़े डिवेलपमेंट के काम है उन्होंने इनाग्रेशन की है और कोई 11,000 करोड़ रुपया जोड़ा शहरी विकास वास्ते जरा लगाया जा रहा, जिसके तहत हर शहर हर म्यूनसिपल कमेटी के वक् प्रोजेक्ट उसके घेरे में लिया। और अज असी धनवाद करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का और अपने लोकल बॉडी मिनिस्टर ब्रह्मेंद्रा जी का कि अज जलंधर के 3 बहुत व्डे जोड़े प्रोजेक्ट है उन्हों की अज आधारशिला हुई है, इनाग्रेशन हुई है, जिस सबनों जोड़ा व्डा प्रोग्राम है जी सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम जोड़ा कि नहरी पानी जोड़ा उसनों ट्रीट करके जलंधर 24 घंटे 24/7 जरा पानी मिलना, जिसते 525 करोड़ रुपया खर्च होना, उसकी अज उद्घाटन किया उसका लिखी है और बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट असी मुकम्मल करेंगे, जिस दे नाल शहर में 24 घंटे जी पानी की सप्लाई है वो होएगी और मेरा ख्याल कोई 400 जोड़े ट्यूबवैल है वो इनोपरेटिव हो जाएंगे और जो 135 बाकी रेंदे हैं उन्होंने असी वैसे रखांगे अपने बैक वास्ते। और इस दे नाल जलंधर दे आने वाले समय में 2036 तक ये जड़ा पानी है ये घर घर के 24 घंटे असी बनावांगे। ये बिस दुआब तो पानी चक्या जाना जगरावा पिंड आदमपुर किशनगढ़ के कोल उत्थे जमीन जी अक्वायर हो गई है उससे STP लगना और वो पानी साफ असी इतने शहर में लिया। दूसरा जोड़ा व्डा प्रोजेक्ट है उस दे असी जलंधर च LED लाइट्स जड़िया अज इन्हों का शुरुआत हुई है, कोई 65,000 जी LED लाइट लगनी जिते कोई 44 करोड़ रुपया लगना और अगर होर भी जरूरत हुई तो 10% असी होर भी वधावे जो 65,000 लग जाएगी तो जो होर हुई तो 10,000 असी होर बढ़ा सकेंगे। सो शहर में बिल्कुल LED लाइटों के नाल असी रहेंगे। तीसरा जोड़ा व्डा प्रोजेक्ट जिसकी अच्छ शुरुआत की है वो हैगा STP जरा फुली वार्ड उसकी ऑगमेशन कर रहे हैं, उसते 69 करोड़ रुपया उसते खर्च हो रहा और उसका नवीकरण कर रहे हैं और उसके नाल जोड़ा पानी है शहर का गंदा उत्थे जाता उसको ट्रीट करके असी खेतों में देवे और जोड़ा वातावरण करते हैं। सो ये 3 जोड़े व्डे प्रोजेक्ट अज साढ़े जलंधर शहर में दिए गए। इस तुं अलावा जलंधर दियाँ जड़िया म्यूनसिपल कमेटियां
उन्हां वास्ते भी वड्डे प्रोजेक्ट आंदे और अज दे जिहड़ा अज दी जिहड़ी राशि है मेरा ख्याल 90 करोड़ रुपए की अज शुरुआत जिहड़ी होनी शहर जलंधर शहर वास्ते 700 पर आ जी 525 है इस 200 करोड़ रुपया असी जलंधर जी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उस चो दिता है और जो LED लाइट है ये भी स्मार्ट सिटी चो दिता है जोड़ा 525 वाला 200 और बाकी जो अमृत प्रोग्राम है उस दिता सो मैं समझता कि इन्होंने तिना प्रोजेक्टा के नाल शहर का बहुत जोड़ा वाला फायदा होना शहर के जोड़े वासी उन्हों का बहुत वाला फायदा होना असी पंजाब सरकार का और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का धन्यवाद थैंक यू।